हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ब्रेश तो आज हम क्लास एट का चैप्टर नंबर फोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे सो आज ये आपकी एन बुक में भी गिवन है आप इसको देख लीजिएगा आपके सिलेबस में सो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है सो so, मटेरियल जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सब डिफरेंट मटेरियल जो भी देख रहे हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है डिफरेंट उनके फंक्शंस हैं सारे मटेरियल्स जो हैं वो सब एक ही तरह के पार्टिकल से बने एंड उनको हम कहते हैं जो मटीरियल्स एक ही तरह के पार्टिकल से बने हो ऑल मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं और एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटांसेज होते हैं ठीक है एलिमेंट क्या होता है एलिमेंट सिंपलेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की किसी भी मटेरियल की एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म होती है ठीक है और वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं एटम्स जिनके बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे जो भी चीज़ हमारे आसपास है जो भी मैटर हमारे आसपास है हर चीज़ मैटर है और वो किससे बना है एटम से जैसे हमारी बॉडी सेल से बनती है ठीक है उसी तरह से मैटर जो भी मटेरियल है वो किससे बनता है एटम्स से बनता है सो so, एलिमेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते फिजिकली या केमिक मतलब हाँ एलिमेंट को हम नहीं स्प्लिट कर सकते फिजिकल केमिकल मेथड के थ्रू एलिमेंट्स को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स ठीक है इनके डिफरेंसेस इनकी फ़िज़िकल इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिकल तो आपको पता ही है फिज़िकली जो भी चेंजेस होते हैं केमिकल मतलब जो केमिकली किए जाते हैं फिज़िकल जैसे कि अगर हमने किसी आ, पेपर को मो, फोल्ड करा है ना सो वो वापस से अपनी पोजिशन में आ जाएगा डैट इज़ फ़िजिकल चेंज या फिजिकल ठीक है तो कैमिकल केमिकल मतलब जैसे अगर हमने किसी पेपर को बर्न करा तो वो केमिकल चेंज हो जाता है है ना उसके ऐशिज़ मिलते हैं हमको वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता तो वो केमिकल चेंज है है ना तो मैं ये आपको थोड़ा सा बता रही हूँ उसके बाद इन दिनों मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं उनका जो है यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनाने में जैसे